असलम गाइस गाइस, क्या आप भी कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर आपको कंप्यूटर को बहुत आपको शौक है, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर सीखना, या अगर आपको कंप्यूटर ऑलरेडी आता है, आप चाहते हैं मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ और भी इसमें और भी एक्सपर्टिंग, तो दोस्तों किस तरह करते हैं ये, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा कंप्यूटर पर सिखाऊंगा। अगर आपको कंप्यूटर का तरीका नहीं आता, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं। तो मेरा नाम मुबशिर है, आप देख रहे हैं मिस्टर मुबशिर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो गाइस शुरू करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो गाइस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बेसिक दो तरीके होते हैं, कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड से कैसे यूज़ करते हैं और माउस से कैसे यूज़ करते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो करता हूँ वीडियो शुरू। दोस्तों बेसिक तरीका ये है कि अगर आप माउस की तरह अपने आप यूज़ करना चाहते हैं माउस की मदद से, तो दोस्तों आपको माउस रोल करना है, रोल करते हुए आपने यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करता हूँ, राइट दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की फाइल देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस यहाँ पर आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सर आकर ये आपको पहला ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप का, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं जो भी अपने आपने एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, ये देखिए तो किस तरह से हमने किया जाता है, ये एप्लीकेशन तमाम आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि आपको मैं कुछ रीड करके समझा सकता हूँ, ये फास्टर शटडाउन पीसी और ये वन ब्राउज़र और कंटेंट स्टूडियो फास्टर, ये देखिए फायरफॉक्स क्रोम, ठीक है, गूगल और इमेज वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट एक और समझ, तो काफ़ी ऐप मैंने एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है आपको डाउनलोड का, ठीक है गाइस। ये किस लिए होता है, अगर आप कंप्यूटर से कोई भी नेट से कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर आपको सेव हो जाती है। तो कैसी है ये देखिए, मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी मैंने फाइल्स और आइकन वीडियोस वगैरह और थंबनेल वगैरह डाउनलोड करके पिक्चर इमेजेस वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखिए। और नीचे हमारे पास आता है रिसेंट प्लेस, तो ये रिसेंट प्लेस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, ये अपनी जो आप फाइल यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट जितने भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, वीडियोज़ चलाई हैं, जो भी ईमेल वगैरह डाउनलोड किए हैं, कुछ भी किए हैं, वो सब यहाँ पर शो हो जाते हैं। लाइब्रेरी में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सारे तीनों लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं, देखिए नीचे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट म्यूज़िक एंड पिक्चर एंड वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है। टाइम बहुत कम होता है इसलिए मैं फास्ट वॉइस कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम क्योंकि कंप्यूटर में इतनी लंबी सीरीज होती है इसकी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको बेसिक तरीके बताऊँगा, सारा तो इंजीनियरिंग नहीं बता सकता, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है इसे समझना आम बंदे का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, इसमें इतने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप एक भी अगर आप मैंने मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फोटोशॉप सीखा है और इतना आज तक मैं एक्सपर्ट नहीं हो सका, वो इतना उसका इतना कोर्स है आप समझ भी नहीं, जितना चलाएं, ये कहते हैं ये इल्म जैसे इल्म है ना, वो भी ऐसा कंप्यूटर का इल्म है, जितना सीखेंगे उतना कम है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आता हूँ, यहाँ पर मेरी जितने भी डॉक्यूमेंट में डेटा वगैरह रखा हुआ है, डेटा मेरा यहाँ पर सेव किया गया है, ठीक है। तो नीचे म्यूज़िक में ये कुछ म्यूज़िक प्रोवाइड करता है, खुद टोन्स वगैरह होती हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, तीन तीन होती हैं, ये देखिए मुझे ऑलरेडी पता था फ्लिप जो इसमें यूज़ करता है कंप्यूटर खुद। नीचे हमारे पास पिक्चर आ जाती है, अगर हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं किसी भी वीडियो में, पिक्चर किस तरह सेलेक्ट होती है, अगर आप चाहते हैं वीडियो में पिक्चर एंड वीडियो किस तरह कैप्चर की जाती है, वो भी अगर आप मुझे कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा। नीचे हमारी यहाँ पर पिक्चर आती है दोस्तों और नीचे वीडियोज़ आती हैं, देखिए मैंने वीडियो पिक करके रखी हुई है, निकाल कर रखी हुई है। सबसे पहले हमारे पास नीचे अब आता है कंप्यूटर का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर में हम जब भी हम क्लिक करते हैं, जो नीचे हमें सी ड्राइव और डी ड्राइव और ए ड्राइव और एल ड्राइव और मेरा जो मोबाइल टेक्नो स्पार्क 5 प्रो मैंने इसमें लगा रखा है, अगर मैं इसे उतार लूँ ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये चला जाएगा दोस्तों, मैं उतार रहा हूँ, ये देखिए वो चला गया है। तो गाइस नीचे आता हूँ मैं, कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास फाइल्स आ जाती हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव और एल ड्राइव। तो दोस्तों कभी भी आपने सी को ओपन नहीं करना, सी में काफ़ी वायरस होता है और ये आपकी जो विंडो होती है वो भी करप्ट हो सकती है, ठीक है, आपने कभी भी सी को ओपन नहीं करना, इसमें डेटा नहीं रखा जाता, ओनली आप जो प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम जैसे कि हम यूज़ करते हैं ऑल प्रोग्राम विंडो का, इसमें प्रोग्राम होता है। आगे फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन आता है डी, ठीक है दोस्तों डी, तो डी में अगर आप कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं तो किस तरह, दोस्तों मैं सबसे पहले अपनी आवाज़ को म्यूट करता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं वॉइस में कुछ दूसरों की आवाज़ मैं अपनी वीडियो में यूज़ करूँगा तो मुझे कॉपीराइट है यूट्यूब वाले दे सकते हैं। तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कोई भी एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ, गाइस मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करता हूँ बेस्ट, ठीक है, DSLR कैमरा वगैरह। तो गाइस ये देखिए मैंने वीडियो प्ले कर दिया है दोस्तों, इसे अगर आप करना चाहते हैं स्टॉप, तो स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पर आइकन मिलता है, इस स्टॉप कर देनी है आपने,
इसे रोक सकते हैं, इजिली यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे चाहते हैं, अगर इसकी वॉइस वगैरह को चेंज, अगर आप मूवी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स उसकी जो हमारे वॉइस होती है हिंदी होती है, जो लैंग्वेज होती है हिंदी उर्दू करना चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपने ऑडियो में आना है और यहाँ पर ऑडियो यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे ये। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलेगी आपकी हाई लैंग, ये तो यहाँ पर आ नहीं रही, कोई मूवी होती मैं आपको वहाँ पर समझा पाता। यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, ऑडियो ट्रैकर और ऑडियो डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर आपने आना इस पर, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हिंदी और उर्दू पर क्लिक करता है। अगर आपकी मूवी हिंदी में है तो आप उर्दू पर क्लिक कर देते हैं, अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में कर सकते हैं इजिली। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फुल करना चाहते हैं तो दोस्तों वही बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन को फुल करना चाहते हैं, अगर आप कीबोर्ड, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कीबोर्ड पर कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आज ओनली मैं माउस की मदद से आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आपने टूल्स में आ जाना, वीडियोज़ में दोस्तों वीडियो में फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह हो जाएगी राइट क्लिक। दोस्तों अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कट का। ठीक है गाइस, यहाँ पर सिंपली मैं कट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस ये तो यहाँ पर रहा, ठीक है, तो बेसिक चीज़ के जो मैं आपको बताए हैं इसी तरह कंप्यूटर बिल्कुल इसी तरह अगर आप इतना सीख लेते हो तो यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका अगर आप कंप्यूटर में अगर आपको ये विंडो ऑप्शन नहीं आ रहा, कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाइए। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर पर आ गए, अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को। ऑल प्रोग्राम में हम क्लिक करते हैं गाइस, तो ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम वो दिखाई जाते हैं जो आपने कुछ जो कंप्यूटर के अपने और जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किए होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके अपने होते हैं वो जब कंप्यूटर बनता है तो उसमें वो उनमें इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल रहा है फो अडा फो इमेज रीडर 7.0, अडा फुटशेल 7.0, कैनी ब्राउजर और डिफरेंट प्रोग्राम, डेस्कटॉप प्रिंटिंग गैलरी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट चॉट, ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। दोस्तों इसमें कुछ गेम्स वगैरह भी होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मेरी वीडियो क्लियर हो चुकी है, मैं सिंपली से अन करता हूँ, आई एम सॉरी जो मेरा थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट किया। तो दोस्तों इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं आपको बताऊँ सारे मेन मेन चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मेन, ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेटर का मेन तो नहीं, कैलकुलेटर है। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर से कैलकुलेटिंग करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को दोस्तों किस तरह करते हैं, यहाँ पर बेस प्लस, दोस्तों यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्लस कहाँ गया यार, ये रहा प्लस 20। दोस्तों ये देखिए तकसीम वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है दोस्तों, नीचे यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह दिए गए हैं जितने भी हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कोई हेल्प वगैरह लेना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई यूज़ नहीं कर सकते आप, कोई खास नहीं है, मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। दोस्तों डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डेस्कटॉप प्रोग्राम, ये कंट्रोल पैनल मेन चीज़, कंट्रोल पैनल गेम्स और ये चीज़ें हैं, दो चीज़ें कंट्रोल पैनल मेन होता है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल में आकर क्या क्या कर सकते हैं बहुत हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला प्रोग्राम हमारे पास आता है दोस्तों ये वाला, इसमें आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको वो ऑप्शन दिया है जो सॉफ्टवेयर अप्लाई करती है जो आपने इंस्टॉल किए होते हैं, ये सारे मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं इनमें से कुछ रिमूव करना चाहूँ तो मैं किस तरह रिमूव करूँगा, दोस्तों यहाँ पर मैं एक सॉफ्टवेयर को रिमूव करता हूँ आपको सिखाने के लिए। दोस्तों अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक कर देना है। गाइस ये देखिए कुछ देर में मेरे ये ऑप्शन दिखाएगा, एक विंडो शो करेगा अनइंस्टॉलिंग की, तो दोस्तों ये देखिए वो विंडो आ चुकी है, अनइंस्टॉल कैन यू ब्राउज़र, यू आर सिक्योर, यू गेट वांट टू द इंस्टॉल कैन ब्राउजर आल्सो डिलीट योर ब्राउजिंग डेटा। तो दोस्तों आपने आल्सो डिलीट योर ग्रुप यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें ये साइड बार में जो प्रोसेसिंग हुई है तो यहाँ पर भी अभी प्रोसेसिंग बाकी है, तो दोस्तों ये अभी ये रिमूव हो जाएगा कुछ ही टाइम में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वो रिमूव हो चुका है, मैंने जैसा थोड़ा से अपडेट किया है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास ये विंडो आती है, दोस्तों यहाँ पर आप अपना स्पीकर वगैरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर को ऑन कर देते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह यहाँ पर भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कंप्यूटर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों मेन कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कीबोर्ड यूज़ करना आना चाहिए। दोस्तों कीबोर्ड पर कैसे कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ये सब मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा,
कंप्यूटर में किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, एमएस वर्ड और भी काफ़ी एप्लीकेशन हैं। ये तो कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका बताया है, और भी यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्दी उसका रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप किस सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर आप आइकन को चेंज करना चाहते हैं, मुख्तलिफ आई स्टाइल में करना चाहते हैं, तो इस तरह कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, बारी बारी आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। अगर आप कोई चीज़ आपको मिस्टेक समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों ये कंप्यूटर की एक मुकम्मल वीडियो थी, जिससे कंप्यूटर किस तरह यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा।